हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में तत्काल वेटिंग टिकट के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर आप भी तत्काल वेटिंग लिस्ट टिकट बुक कर लेते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, उसको कैंसिल कर देना चाहिए या उसको वेट करना चाहिए चार्ट पेपर तक, तो आज के इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि रेलवे का दो वेटिंग टिकट होता है, जैसे कि एक तो आई टिकट, एक तो ई टिकट। ई टिकट वो होता है जो हम लोग ऑनलाइन बुकिंग करते हैं और आई टिकट होता है काउंटर से बुकिंग होता है। तो जैसे कि आप सभी को बता दूं कि अगर आप ऑनलाइन मोबाइल से या लैपटॉप से अगर तत्काल वेटिंग लिस्ट टिकट बुक कर लेते हैं, अगर वो 10 के ऊपर, मतलब 10 वेटिंग लिस्ट के ऊपर अगर चला जाता है तो आप उसको कैंसिल कर दीजिएगा या आप चार्ट प्रिपेयर तक वेट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ट्रेनें हैं जिनमें कम से कम कंपलसरी 10 टिकट तत्काल में जो होती है वो कन्फर्म होती है, लेकिन हार्ड रूट में नहीं होती। हार्ड रूट में अगर आपका 1, 2, 3 जितना भी वेटिंग लिस्ट हो वो जल्दी कन्फर्म नहीं होती है, ठीक है। और आप सभी को पता होगा कि अगर आपका टिकट वेटिंग रह जाता है तो आप ट्रेन में सफ़र नहीं कर पाएंगे ऑनलाइन टिकट अगर बुकिंग होता है तो। अगर सेम यही अगर आपका आई टिकट, मतलब जो अगर काउंटर का टिकट बुकिंग करवाए हैं, तत्काल वेटिंग लिस्ट अगर रह गया है उसमें 2, 4, 5, 6 जितना भी वेटिंग लिस्ट रहता है, तो उसमें अगर आपका चार्ट लग जाने के बाद भी, अगर आपका चार्ट लग जाता है, चार्ट लगने के बाद भी अगर वो टिकट वेटिंग ही रह जाता है तो आप उस टिकट पर भी ट्रेवल्स कर सकते हैं। जैसे कि आप एक देख पा रहे हैं काउंटर टिकट है जो हावड़ा से काटपट्टी जंक्शन तक टिकट बुकिंग हुआ है, तत्काल वेटिंग लिस्ट में इसमें 4, 5, 6, 7 वेटिंग लिस्ट चला, जो कि 4 पैसेंजर का टिकट है, ठीक है, जो कि काउंटर से बुकिंग करवाया गया। 3rd AC का ये टिकट है, ये बहुत ही हार्ड रूट है। इस रूट में टिकट कन्फर्म होना बहुत ही मुश्किल होता है, वो चाहे नॉर्मल वेटिंग लिस्ट हो, तत्काल वेटिंग लिस्ट हो। नॉर्मली कोई भी लोग अगर देखेगा कि इसमें तत्काल वेटिंग लिस्ट 4, 5, 6, 7 चला तो आराम से कम 1 से 2 टिकट कन्फर्म हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस ट्रेन का चार्ट लग चुका है और उसका वेटिंग लिस्ट जितना बुकिंग हुआ था 4, 5, 6, 7, ठीक है, उतना का उतना ही रह गया। देख लीजिए आप, चार्ट प्रिपेयर, इस ट्रेन का चार्ट प्रिपेयर हो चुका है। ये बहुत ही हार्ड रूट है, इस रूट में टिकट कंफर्म होना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपको इमरजेंसी में ट्रेवल्स करना ही है तो आप काउंटर से तत्काल वेटिंग लिस्ट या नॉर्मल वेटिंग लिस्ट लेकर ट्रेन में सफर कर सकते हैं, और आप अपना पैसा वेस्ट ना करें ऑनलाइन टिकट बुकिंग करके हार्ड रूट में। खास करके अगर इजी रूट है तो उसमें कम से कम 10 टिकट आराम से कंफर्म हो जाता है, लेकिन हार्ड रूट का बुकिंग अगर आप सोचते हैं तत्काल में मैं एक बिग बुकिंग कर लिया हूँ या 2 वेटिंग लिस्ट है या 3 वेटिंग लिस्ट है, तो नहीं, इस होप में आप बैठिए मत, नहीं तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपका पैसा भी, मतलब ऑनलाइन जो बुकिंग होता है उसमें 60 रुपये 65 रुपये जो भी चार्ज करता है वो आपका कटेगा ही कट। अगर आप ऑनलाइन वेटिंग टिकट, मतलब तत्काल वेटिंग टिकट बुक कर लेते हैं तो आपको सबसे पहले जानकारी ये होना चाहिए, मतलब आपका एक्सपीरियंस ये होना चाहिए कि जिस रूट में आप टिकट बुक किए हैं वो हार्ड रूट है ना इजी रूट है। अगर इजी रूट है तो आप ऐसे भी अगर आप तत्काल वेटिंग लिस्ट ऑनलाइन बुकिंग कर लिए हैं तो वैसे भी अगर आप कैंसिल करिएगा तो 60 रुपये प्लस GST चार्ज कटेगा ही कटेगा। इससे अच्छा आप थोड़ा वेट कर लीजिएगा चार्ट प्रिपेयर तक। चार्ट प्रिपेयर होने के बाद अगर टिकट कन्फर्म होता है तो आप ट्रेन में ट्रेवल्स कर लीजिए, अगर नहीं होता है तो आप वैसे ही छोड़ दीजिए। आपका ऑटोमेटिक, मतलब 60 रुपये प्लस GST चार्ज कट के आपका अकाउंट में पैसा, मतलब IRCTC वाले ट्रांसफर कर देंगे। सो आई होप कि आप सभी को हमारा जानकारी काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक पहुंच सके।